Today we are going to discuss nephritis. What? Nephritis. Yeah. What is nephritis? Nephritis. Okay. Nephritis are of two types. Acute nephritis and chronic nephritis. Acute nephritis means short duration. Chronic nephritis means long duration. Acute nephritis, it persists for the longer duration. Okay? Yes. It will change into the chronic nephritis. Okay? Yes? So, my dear friends, acute nephritis, also known as acute nephritis, also known as acute glomerulonephritis. इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? Glomerulonephritis. Sir, what is acute glomerulonephritis? Acute means you know very well, short duration. Glomerulonephritis means inflammation of glomerulus and nephron. Nephron means glomerulus is also part of the nephron. But the tubular portion of the nephron. Yes. Already we discussed in the previous lecture. Yes, sir. I told you nephron divided into two renal carpuscles and the tubular portion of the nephron. Getting or not getting? Yes, sir. Okay. Acute glomerulonephritis. Badhaya. Yes, sir. Good. शॉर्ट में इसको AGN बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम में आएगा AGN. यस, एग्जाम में आपको AGN आता है. आपको पता नहीं होता व्हाट इज AGN. एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एनी डाउट? नो सर. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इट इज अ इन्फेक्शन. यस, इट इज अ ट्रांजिएंटरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन नोन एज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. व्हाट इज इट? इज अ ट्रांजिएंटरी. सर, ये ट्रांजिएंटरी वर्ड समझ में नहीं आया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंटरी? ट्रांजिएंटरी मतलब थोड़े समय के ट्रांजिशन फेज. यू नो So it's a transitory inflammation of glomerulus and lesser मतलब कम चार and lesser tubular portion of nephron. Okay? Yes. Any doubt? No. Yes? Definition. What is definition? It is a transitory inflammation of glomerulus and lesser extent to tubular portion, lesser extent to tubular portion of nephron is known as acute glomerulonephritis. Any doubt? Resultant, जिसके कारण क्या होगा? Manifestation, clinical feature of acute glomerulonephritis. At a glance, thoughts में ना बता. Resultant, decrease in glomerular filtration rate. GFR कम हो जाएगा, proteinuria जाएगा, क्या जाएगा? Proteinuria. Okay, hematuria. Edema, hypertension. Sir, ये क्या है और कैसे हो रहा है? These are the clinical features, signs and symptoms of acute glomerulonephritis.
बढ़ जाएगा डन। पहला कॉज इंफेक्शियस डिजीज या इंफेक्शन देता हूं बता रहा हूं। ओके, इंफेक्शन किस किस के हो सकते हैं टू यू नो वेरी वेल, बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, पैरासाइट। बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे? पहला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, यस, स्टेफिलोकोकस। साबुन का टाइप है ना, साबुन का टाइप है स्टेफिल, यस। बॉडी के
प्रोटीन टूटने लग जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी, कॉलेजन टूटने लग जाएगा और हमारा जो नेफ्रॉन है कनेक्टिव टिश्यू टूटने लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर बढ़िया ठीक है। और भी है, एक होता है प्राइमरली एक्यूट प्राइमरी मेसेंजियो कैपिलरी नेफ्राइटिस। सर ये समझ में नहीं आया हमें, सुनिए ये जो मैं कॉज आपको बता रहा हूँ, ये जो कॉज बता रहा हूँ ये डायरेक्ट किडनी में नहीं थे, स्पेशली यदि बैक्टीरियल या वायरस ने डायरेक्ट किडनी पे अटैक करा तब नाम आएगा प्राइमरी मेसेंजियो कैपिलरी नेफ्राइटिस, नॉट योर डायरेक्ट किडनी पे, डायरेक्ट किडनी पे। यस एंड नाउ रैपिड एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डायरेक्ट किडनी पे, किडनी पे डायरेक्ट अटैक नहीं होता। ये सब क्या है, बॉडी में डिजीज थी बाद में किडनी पे अटैक, पर यहाँ पर डायरेक्ट किडनी पर ही इन्फेक्शन होगा, अटैक होगा। यहाँ पर कोई डाउट मुझसे पूछा जा रहा है, लिख लीजिए कॉस्ट ओवर है इसमें, ये डायरेक्ट है ना प्राइमरी मतलब स्पेशली, ओके मेसेंजियो कैपिलरी। क्या मैंने आपको एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल बताया बताया कल की क्लास ऐसे मैंने खराब नहीं करी है। यस मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है कहाँ पे, एक्स्ट्रा मैसेंजियल सेल पे ब्लड प्रेशर पे और फिर ग्लोमेरुला है किडनी में क्या नेफ्राइटिस का होगा, यस और नो, पर डिजीज इज की रॉट इंफेक्शन, ये कॉम्प्लिकेशन है किडनी डैमेज हो, नॉट गेटिंग यस। अभी आपको सर्दी नहीं है, सपोज आपको सर्दी नहीं है, डायरेक्ट किडनी इंटर करा ब्लड में चला गया और डायरेक्ट किडनी को अटैक करा, प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नॉट गेटिंग यस। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड कॉज है, ये डायरेक्ट कॉज यस। फिर उसका कॉम्प्लिकेशन
कम्युनिकेशन की इशू है या सर मैं आपको कॉमन बता रहा हूं क्या था कॉमन का कि ऊपर आपको हेडिंग जोड़नी है मलेरिया लिख दोगे कब से है एफएल जोड़ दोगे कब से है यस क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं बनाई वो ट्रॉल इंफेक्शन से है चाहे वो मलेरिया से है चाहे वो टाइफाइड से है यदि वो किडनी में पहुंच रहा है ठीक है तो अपन डायरेक्ट एंट्री कहां से कर रहे हैं किडनी से आ रहा है तो समझ लेना आपका बस सपोज यू हैव योर एंटीबॉडीज ओके यस सपोज आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई या आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है ये जाएगी ग्लोमेरुलस में और ग्लोमेरुलस में बहुत सारे एंटीजन होते हैं क्या होते हैं बेटा एंटीजन एंटीजन क्या समझ में आ रहा है एंटीबॉडीज कहां आ रही है बच्चों ग्लोमेरुलस एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज कहां पहुंची ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन में कहां पहुंची ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन यस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में एंटीजन होंगे क्या होंगे एंटीजन एंटीजन प्रेजेंट यस जब एंटीबॉडी वहां पर जाए एंटीजन से बाइंड करेगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो सबसे पहले क्या होगी बाइंडिंग होगी यस मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की फर्स्ट स्टेप है बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी नॉट यस तो ये सब होंगे यहाँ पे जाएगा बाइंडिंग क्या जाएगा बच्चों बाइंडिंग और बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कोई डाउट यहाँ पर ये एंटीबॉडी हो ना क्या दिला है एंटीबॉडी को ए बी से बताते हैं एंटीजन को ए बी से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कोई डाउट अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये ट्रैप होगा ट्रैप फंसेगा यस इन इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन यस क्या समझ में आया ट्रैपिंग ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बी एन एन बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ जाइए कोई ना हो ठीक है मतलब फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग होगी फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में ट्रैपिंग होगी ट्रैपिंग मतलब आप फंस जाएगा प्रेशर यस सर है ना एक्यूमुलेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी के लिए यस अब बाइंडिंग होने के बाद ट्रैपिंग होने के बाद वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा क्या होने लग जाएगा इन्फ्लेमेशन क्या होने लगेगा बच्चे इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन यही क्या हो इन्फ्लेमेशन किसका हो रहा है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का नहीं रहा बेसल मेम्ब्रेन पढ़ाओ या ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन यस यस यदि ये रिवर्सिबल हुआ यदि ये रिवर्सिबल हुआ मतलब अभी मेरे को डिजीज बिल्कुल नहीं की मैंने इलाज करा लिया ठीक हो गया तो उसको बोलेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और यदि ये इररिवर्सिबल हुआ यदि वर्ष का मतलब ठीक नहीं हुआ या मैंने इलाज नहीं कराया तो बीच का है कोई यस आ रहा है जबकि क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इररिवर्सिबल होता है एनी डाउट मतलब एक बार पेशेंट क्रोनिक में गया तो आप वो डेली हो ही पा रहे हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में परमानेंट डैमेजिंग अभी नहीं हुई है इसलिए डेफिनेशन में पहला वर्ड जो का कहता है ट्रांजिएंट समझ में आया मीनिंग अब आया समझ में ट्रांजिएंटली वर्ड मैंने पहले क्यों लिखा था मतलब यदि इलाज करा ली तो ठीक हो जाएगी तो डैमेज यहाँ तक कोई डाउट नो सर यस अच्छा सुनो इन्फ्लेमेशन होगा एक बात बताइए आप देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ यस मैं माइक्रोस्कोपिक भी इसी में बना रहा हूँ
बड़ा बड़ा डायग्राम बना दे, बारह साल अलग से नहीं बना, टाइम बहुत चलता है। यस आप समझ ना, ये एप्रेन आर्टिकल लगा, यस सर ये क्या बना दिया आपने, एप्रेन आर्टिकल बना दिया मैंने सर, आपको समझ में नहीं आया ये एप्रेन आर्टिकल तो ल्यूमन था, ये उसकी सेल थी, इसको हम देखिए टीडीएम एंडो टीडीएम मैंने बताया था कि आपको समझाने की मैं डायरी किसी में बनाते हो, और ये वाला जो था ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाली जो आ रही है प्रोडक्ट, ये यहां पर भी स्कोमा जो की टीडीएम का सेल क्या था आपको बताया था क्या मैंने, यहां की जो सेल होती है बच्चों समझना, यहां की जो सेल होती है वो सेल होती है क्लोरोफाइट, क्या होती है क्लोरोफाइट, मैं यहीं पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फोटोसाइट मतलब फोटो मतलब होगा पैर वाली सेल, क्या होता है बेटा फोटो सर पैर वाली सेल, देखो ऐसा लग रहा है कि पैर है नहीं, यस ब्लड वेसल में थी स्क्वामस एपिथेलियम, ये थी फोटोसाइट, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा गैप है, यहां से फ्लूइड छलका रहा था, कितने लोगों को होता है यहां पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, क्या होते हैं माइन्यूट पोर्स, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो इस पोर से फिल्टर नहीं हो पाते, यस सर, फ्लूइड तो फिल्टर हो जाता है, वो फिल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एक मिनट में होता है जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एनी डाउट, यस, बट जैसे यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स आया, ये था नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, अब एबनॉर्मल समझिएगा, यहाँ पे आई एंटीबॉडी, क्या आई ये एंटीबॉडी, ये थे एंटीजन, दोनों में होगा रिएक्शन, और यहाँ पर एक फंस जाए, तो ट्रैकिंग हुई कि नहीं, ट्रैकिंग हुई देखिए समझिएगा, ट्रैकिंग किसको बोले, ये थी एंडोथेलिया, ये थी पोडोसाइट, दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी, और यहाँ पर हो गई ट्रैकिंग, मैंने पहले लिखा है ट्रैकिंग ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो, और जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन का पहला साइन होगा, दूसरा स्वेलिंग, यस और नो, तो स्वेलिंग होगी, यस और नो, रेडनेस तो होगी जो दिखेगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा जिसके कारण होगी स्वेलिंग, यस, स्वेलिंग होने के कारण क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी होती है, यस सर, हां यस सर, स्वेलिंग होने के कारण थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, एनी डाउट, ठीक है, थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होने के कारण किया जीएफआर कम हो जाएगा, आप ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को रिजेंबल करिए छन्नी से, चाहे वो छन्नी आपको छन्नी मोटी कर दीजिए तो आप चाहे धीरे चलेगी ना, यस सर, यस और नॉट, तो जो छन कर आ रहा है यस वो कम हो जाएगा, पहला साइन सिम्टम क्लियर हुआ, यस सर, क्यों जीएफआर कम हो, यस सर, आ रहा है, यस सर, यस, तो सबसे पहले जीएफआर कम होगा, और जब छन ही कम रहा है जब यहाँ लंबे समय तक डैमेजिंग होगी तो क्या एक दिन ऐसा आएगा यहाँ पर बड़ा होल बन जाएगा, होल बन जाएगा, यस सर, जब होल बन जाएगा तो अब डायरेक्ट ब्लड आएगा, क्या आएगा डायरेक्ट ब्लड आएगा, पेशेंट हीमोफिलिया का कंप्लेंट लेकर आएगा, यस अच्छी बात बताइए,
ओके प्रोटीन यूरिया यस और नो यस सर अच्छा देखिए एक और जब यूरिन में प्रोटीन का काउंट बढ़ेगा तो क्या ब्लड में प्रोटीन का काउंट कम होगा यस सर हेलो चला गया तो क्या उसको एल्बुमिनेमिया हो सकते हैं यस सर हाइपो एल्बुमिनेमिया हो सकते हैं हाइपो मतलब कम एल्बुमिन इन ब्लड यस सर आपको कोई बोलेगा सर प्रोटीन का काउंट कम हो सकता है कहां पे जब तक तो उसने बोला नहीं प्रोटीन का काउंट कम ब्लड प्रोटीन का काउंट ज्यादा कहां पे यूरिन में पूरा बोला समझ में आया यस सर यस आपको बायोलॉजी में एक प्रश्न दे रहा हूं सर सर प्रोटीन यस प्रोटीन हां क्या होगा प्रोटीन बढ़ेगा कि घटेगा यस स्टूडेंट कौन बोलेगा सर बढ़ेगा घटेगा जो भी बोल रहे हो यस जो भी बोल रहे हो कहां अभी भी कोई क्वेश्चन है आगे कहां बोलने का सर बढ़ेगा कहां यूरिन में नॉर्मल कंडीशन प्रोटीन एब्सेंट यस रक्त में होगा ब्लड यस तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे बस आपका वर्ड डिपेंड करेगा नेक्स्ट जब यहां पर कम चलेगा फिल्टर कम होगा यूरिन कम बाहर जाएगी तो धीरे 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 बॉडी में फ्लूड इकट्ठा होने लगेगा यस यस जब फ्लूड इकट्ठा होगा मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है यस अरे ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ रही है जब टंकी में समझना पानी की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं राव तो हाइपरटेंशन होगा कि नहीं हाइपरटेंशन हो जाएगा साहब ठीक है एडिमा होगा कि नहीं सबसे पहला साइन होगा किडनी फेलियर का एडिमा यानी राव पेशेंट आपके पास आएगा सो के उठता हूं साहब तो चेहरे पे यहां पे स्पेशली दिस एरिया सर नॉट स्वेलिंग का आया यदि फेस पे स्वेलिंग है समझना किडनी का पेशेंट है यदि पैर में स्वेलिंग है समझना हार्ट का पेशेंट है बिना इन्वेस्टिगेशन बिना चेक किए आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पेशेंट को इसका प्रॉब्लम हो सकता है फिर तो आप जब करेंगे किडनी में भी स्वेलिंग नीचे आएगी पर सबसे पहले कि हार्ट में भी डैमेजिंग हो रही तो नीचे स्वेलिंग अपन ने पढ़ा हार्ट डैमेज कार्डियोवास्कुलर Yes. Over. Investigate.
उसने इन्वेस्टिगेशन लिखा है जो साइलेंस इंटरवल से रिलेटेड है। सबसे पहला आप टेस्ट कराओगे सीबीसी, सीबीसी कराओगे हीमोग्लोबिन का मान का, यस और नो? ठीक है, पहला टेस्ट होगा सीबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन का, डब्ल्यूबीसी का काम ज्यादा आएगा, अरे इंफॉर्मेशन हुआ है। तीसरा ईएसआर ज्यादा आएगा, यहां तक कोई डाउट आ रहा समझ में? डन। दूसरा टेस्ट कि आपको यूरिन का टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले ब्लड यूरिन ही करवाता है, यूरिन का कैसे टेस्ट होगा मैडम? प्रोटीन यूरिया मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन यानी गाड़ी में जाएगी, यूरिन का प्रोटीन एकदम ठीक होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस आएंगे, जानते स्पेसिफिक ग्रेविटी? यस, कंसेंट्रेशन रिलेटेड। यस मैं ठीक है, सिद्धू विस्कोसिटी इंक्रीज, यस ये सही आया, यस ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ यूरिन इंक्रीज, यस और नो? यस ठीक है, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट ठीक है, आप जब ब्लड की जांच करवाएंगे या प्लाज्मा की, एक अलग हेडिंग लिखते हैं, प्लाज्मा की जांच करवाएंगे तो एल्बुमिन का काउंट कम आएगा, यस और नो? यस सर। हाइपोएल्बुमिन, हाइपोएल्बुमिन हाइपरटेंशन के लिए तो बीपी आप चेक कर सकते हैं, यस बीपी बढ़ा हुआ है, यस एडिमा वो डिकेडिंग का, यस आपको इंस्पेक्शन पार्टिशन सुना होगा, यस वो करके आप देख लो कि एडिमा है कि नहीं, यस यहाँ पे कौन सा हुआ पिटी एडिमा, कौन सा हुआ एडिमा तो होगा, पिटी मतलब क्या होगा, यदि पानी इकट्ठा हो रहा आप दबाओगे तो इकट्ठा हो जाएगा, है ना, सॉलिड में इकट्ठा नहीं बनेगा, यस यस और नॉट डिप्रेशन पिटी एडिमा, मिल जाओ आ रहा है कि तो हैडी वैडी तो, यस ठीक है, ऐसे है तो फिर आप बढ़ा रहे हैं, यस। दूसरा आप कर लेना बेटा एक्सरे, एक्सरे कर लोगे तो जब किडनी में डैमेज आना धीरे धीरे हार्ट पे आ कार्डियोमिलिया की हार्ट का साइज लेफ्ट हार्ट के लिए, यस कार्डियोमिलिया भी आ रहा, यस मतलब पहले किडनी डैमेज हो हार्ट डैमेज हो गया, ठीक है। लंग में क्या आया कंजेशन, क्या आया लंग में कंजेशन, ठीक है, क्रैकर्स कैरिस में है, याद है कैरिस है बताया मैंने आपको, हार्ट में प्रारंभ जब कैरिस है लंग में ही पानी में क्रैकर्स, यस इसके बाद आप फिर सोनोग्राफी करवा लेना, यस सोनोग्राफी करवाओगे तो आपको किडनी का साइज नॉर्मल लार्ज या स्मॉल तीनों दिख सकता है, यदि इंफ्लेमेशन है तो लार्ज खराब हो छोटी हो जाएगी, समझ रहे हैं, नॉर्मल भी दिख सकते हैं, इसे इसे फिर सीटी स्कैन करवा सकते हैं आप, एमआरआई करवा सकते हैं आप, इसमें आपको क्लियर इमेज दिखते जाएगी, यानी क्या हो लास्ट में आप एक बायोप्सी करवा सकते, क्या करवाओगे बायोप्सी, यदि उसका कोई कैंसर है, क्या है कैंसर है तो वो डायग्नोज हो भी सकता है, यस और नो? अब कौन सा टेस्ट कराएंगे अपन, कॉज के हिसाब से ग्रुप कॉज का सिंड्रोम में आता है आपको ऑटोइम्यून डिजीज, उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, टेस्ट का नाम है ए एस ओ टाइटर, जानते हैं क्या है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, याद है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं, ए एस ओ टाइटर पड़ा हुआ है, सर ये क्या है आपको मालूम है एंटीबॉडी कहाँ अटैक करती है, एंटीबॉडी अटैक कर रही कहाँ पे एंटीजन में, एंटीबॉडी का कौन बढ़ेगा तो आप एंटीबॉडी का टेस्ट करवाओगे ए एस ओ टाइटर, टाइटर का एंटीबॉडी टाइटर किसका बेटा
एंटीबॉडी आप एंटीबॉडी टेस्ट करवाओगे ये इंक्रीज रेंज का है। यहाँ पे कुछ कुछ पूछा जाता है हाँ ये इन्वेस्टिगेशन होगा ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या करोगे आप ट्रीटमेंट क्या करोगे सबसे पहले ट्रीटमेंट करोगे आप बेड रेस्ट क्या करोगे बच्चों बेड रेस्ट करोगे बेड रेस्ट पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया मैंने ठीक है। दूसरा आप सबसे पहला करोगे कि उसको जो डाइट दोगे डाइट चार्ट दोगे इसमें साल्ट नहीं होना चाहिए मतलब साल्ट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्यों क्योंकि यदि आप साल्ट दोगे तो ऑलरेडी उसको एडिमा हो रहा है हाइपरटेंशन हो रहा है तो साल्ट रेस्ट्रिक्टेड। सेकंड उसको जो आप पानी दे रहे हैं क्या दे रहे हैं पानी यस वाटर वो क्या होना चाहिए 1 लीटर देना चाहिए 1 लीटर सर क्यों यदि आप ऑलरेडी स्वेलिंग आ रही है आपने और 2-3 लीटर पानी पिलाया तो क्या होगा बॉडी में खर्चा हो जाएगा। यस इसके बाद आप क्या करेंगे इसके बाद आप उसकी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएंगे। किसका बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन कम हो रहा है तो आप डाइट में प्रोटीन ही डाइट देंगे। यस सर समझ में आया। इसके बाद यदि पेशेंट को इन्फेक्शन है ठीक इस तरह की इन्फेक्शन है यस अब इन्फेक्शन है कौन सा इन्फेक्शन है तो उसके लिए एक और टेस्ट आप यहाँ करेंगे उसको बोलते हैं ब्लड कल्चर। क्या बोलते हैं ब्लड कल्चर ब्लड कल्चर से पता चल जाएगा बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया है उस हिसाब से आप एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे एंटीबायोटिक देंगे यानी नाउ एंटीबायोटिक सो मेनी टाइप्स पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन यस। अब इसके बाद आप क्या देने वाले हैं हाइपरटेंशन के लिए आप डाई यूरेटिक कर देंगे क्योंकि डाई यूरेटिक क्या करेगा बीपी भी कम करेगा साथ में एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर को। यस सर डाई यूरेटिक का नाम है फ्यूरोसेमाइड। क्या नाम है फ्यूरोसेमाइड 40 मिलीग्राम। यस सर इसके बाद हेडेक वगैरह के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। यस ठीक है यस ट्रीटमेंट ओवर। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव के लिए आप और उसको दे सकते हैं एज इनहिबिटर एटी ब्लॉकर। यस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ज्यादा काम करेगा ना यहां पे उसको ब्लॉक करने के लिए। ये था ट्रीटमेंट। क्या था ये ट्रीटमेंट।